हेलो दोस्तों, बीसीसीआई ने फाइनली टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारत टीम की टीम स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और जो लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है क्योंकि टी20 स्क्वाड 2024 के लिए इन दोनों प्लेयरों को टीम में जगह दे दिया गया है और साथ ही कुछ ऐसे खिलाड़ियों को टीम में जगह दिया गया है जिनके नाम सुनकर आप लोग दंग हो जाएंगे और 2-3 बड़े खिलाड़ियों को इस टी20 वर्ल्ड कप से बाहर भी कर दिया गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए 20 टीमें हिस्सा लेगी जिसमें 4 ग्रुप बटी है। पहला ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, आयरलैंड, अमेरिका और कनाडा की टीम है और ग्रुप बी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान है और ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीम है और ग्रुप डी में बांग्लादेश, युगेंडा, नीदरलैंड, नेपाल और पापुआ न्यू गिनिया है। ऐसे 4 ग्रुप बनाया गया है जिसमें 5-5 टीमें हैं और 5 टीमों के बीच एक एक मुकाबला होगा और चारों ग्रुपों में जो टीमें टॉप 2 में होगा वह टीमें क्वालिफाई करेगी और वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला 4 जून से खेला जाएगा जिसमें भारत का पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड से खेला जाएगा और 9 जून को पाकिस्तान से खेला जाएगा और 12 जून को अमेरिका से खेला जाएगा और 15 जून को कनाडा से खेला जाएगा। तो यह होगी टीम इंडिया की शुरू के 4 मैचेस। तो चलिए दोस्तों मैं अब आप लोगों को टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड बता देता हूँ जिन प्लेयरों पर भारतीय बीसीसीआई और सेलेक्टर ने भरोसा दिलाया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर वो कौन से प्लेयर है जिन पर भारतीय सेलेक्टर और बीसीसीआई ने भरोसा रखा है, क्या वह प्लेयर टी20 वर्ल्ड कप 2024 का टीम इंडिया को खिताब जिता पाएंगे क्योंकि टीम इंडिया पिछले 10 सालों से एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है। तो दोस्तों इस स्क्वाड में फिर एक बार बीसीसीआई ने रोहित शर्मा पर भरोसा जताते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए उन्हें कप्तान बना दिया गया है क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में बहुत ही जबरदस्त कप्तानी की थी और बल्लेबाजी भी बहुत ही शानदार तरीके से किए थे। हालांकि फाइनल मुकाबले हार गए लेकिन उससे पहले 200 के 200 मुकाबले टीम इंडिया बहुत ही आसानी तरीके से जीते थे और रोहित शर्मा टी20 की तरह ओडीआई मुकाबले खेले थे, इसीलिए बीसीसीआई और सेलेक्टर ने फिर एक बार रोहित शर्मा को ही कप्तान चुना है। और अगला नाम शुभमन गिल का है। शुभमन गिल ने भी वर्ल्ड कप में लास्ट के मुकाबलों में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी थी और फिर उसके बाद विराट कोहली को भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए सिलेक्शन कर दिया गया है क्योंकि आईसीसी की ट्रॉफी में कभी भी विराट कोहली का बल्ला जमकर बोलता है और उनके बल्ले से रन निकलता है, इसीलिए विराट कोहली को भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए जगह दिया गया है। और अगला नाम है सूर्या दादा यानी कि सूर्य कुमार यादव। टी20 में सूर्य कुमार यादव का नाम न हो तो पूरी टीम अधूरी लगेगी और वैसे भी टी20 के प्लेयर सूर्य कुमार यादव से कोई भी अब इस समय बल्लेबाज उनसे जबरदस्त है ही नहीं है। और विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन को जगह दिया गया है और ईशान किशन मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे ओपनिंग भी कर सकते हैं। और अगला नाम है रिंकू सिंह, राजा रिंकू सिंह। रिंकू सिंह जैसा तो फिनिशर इस समय हालांकि टीम इंडिया के पास कोई है ही नहीं और रिंकू सिंह हर एक मैच में साबित भी किया है और अपने बल्लों से छक्के चौकों की रन भी बरसाया है, तो इसीलिए टीम इंडिया में रिंकू सिंह को भी जगह मिला है। और अगला बैट्समैन श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर भी वर्ल्ड कप 2023 में अपने बल्लों से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिए थे और 2 शतक भी लगाए थे श्रेयस अय्यर वर्ल्ड कप 2023 में, तो इसीलिए श्रेयस अय्यर को भी टीम में जगह दिया गया है। और अगला नाम है यशस्वी जायसवाल। इस युवा बल्लेबाज को भी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए इन्हें जगह दिया गया है और ओपनिंग भी जबरदस्त करते हैं और यह आते ही अपने बैट से रनों की बरसात करने लगते हैं, इसीलिए यशस्वी जायसवाल को भी वर्ल्ड कप 2024 के लिए जगह दिया गया है। फिर अगला नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन बनाया गया है टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। अगला नाम है सर रविंद्र जडेजा और रविंद्र जडेजा के साथ निभाने के लिए सिलेक्शन किया गया है रवि बिश्नोई का क्योंकि रवि बिश्नोई बहुत ही खतरनाक लेग स्पिनर है और साथ में गुगली मास्टर भी हैं। और बॉलरों के तौर पर द यार्का किंग जसप्रीत बुमराह और मियां भाई मोहम्मद सिराज और उनके साथ होंगे मोहम्मद शमी और अगला नाम अर्शदीप सिंह का है। तो दोस्तों इस स्क्वाड में 4 फास्ट बॉलरों को जगह दिया गया है। तो दोस्तों यह था टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड। तो आप लोगों क्या लगता है कि टीम इंडिया की यह स्क्वाड भारतीय टीम को इस बार टी20 का ट्रॉफी जिताने में समर्थ हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक लिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।